गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ, जो नेक्स्ट वाला टॉपिक था उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन के बारे में। तो हमने एक जब यहाँ पे पढ़ा था, हमने सेरिब्रम वाला पार्ट पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि आउटर पार्ट तो कॉर्टेक्स कहलाएगा और मिडिल वाला डायनसेफेलॉन कहलाएगा, जो कि वाइट मैटर का बनेगा। क्लियर है? तो इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले थैलेमस, एपिथैलेमस आता है, फिर हाइपोथैलेमस आता है, फिर थैलेमस आता है, फिर आपका मेटाथैलेमस और सब थैलेमस। इस तरीके से इसमें पर्टिकुलर पार्ट आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको थैलेमस का पता है तो हम आगे की बात कर सकते हैं। अब थैलेमस कहाँ पे है बात कर लेते हैं, सॉरी हाइपोथैलेमस कहाँ पे है बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमको पता है कहाँ पे है लोकेशन, इन्फीरियर तो होती है थैलेमस के इन्फीरियर तो होती है, लेकिन कहाँ पे होती है, थैलेमस के एंटीरियर भी होती है। ठीक है, एंटीरियर और इन्फीरियर टू द थैलेमस, आपको ये बात याद रखनी है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, इन्फीरियर और एंटीरियर, थैलेमस के कहीं पे हाइपोथैलेमस होगा। क्लियर है? नीचे की तरफ कुछ यहाँ की तरफ होगा और आगे की तरफ होगा, दिस इज़ कॉल्ड हाइपोथैलेमस। दूसरी चीज़ इसके बारे में जो पढ़ने वाली है वो है इमीडिएटली अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। सपोज़ ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे ये एंटीरियर लोब, ये पोस्टीरियर लोब, और पिट्यूटरी लोब के जस्ट ऊपर पे यहाँ पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ये एक बोन है जिसको हम बोलते हैं हाइपोफिशियल फोसा। फोसा वर्ड कैविटी के लिए यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, इसको हाइपोफिशियल लिख देता हूँ मैं, हाइपोफिशियल फोसा। तो फोसा वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, कैविटी के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक कैविटी प्रेजेंट होती है छोटी सी हाइपोफिशियल बोन में, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जस्ट ऊपर है। इस कैविटी को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है सेला टर्सिका। क्या दिया गया है? सेला टर्सिका। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सेला टर्सिका में क्या है आपका, सेला टर्सिका में क्या है आपका, यहाँ पे कहीं पे क्या प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। क्लियर है? हाइपोफिशियल बोन के अंदर कैविटी रहती है जिसको सेला टर्सिका बोला, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर है, मतलब अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड है, और थैलेमस के एंटीरियर है, आगे की साइड पे है, इसको हमने बोला हाइपोथैलेमस। अगली बात कर लेते हैं, अगली क्या बात है, ठीक है, दूसरी बात, हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब आप ये बोल रहे होंगे कि मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है किसको, हाइपोथैलेमस को। मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी को बोलते हैं, ये है पिट्यूटरी जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी। क्लियर हो गया? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट नीचे है किसके, हाइपोफिशियल फोसा के, और हाइपोफिशियल फोसा में एक कैविटी है सेला टर्सिका के नाम से, उस पे क्या प्रेजेंट रहता है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट रहता है, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी रिलीजिंग हार्मोन हैं, हमने पहले भी बात करी थी, जितने भी रिलीजिंग हार्मोन हैं, चाहे वो CRH है, चाहे वो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, चाहे वो आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, चाहे वो आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, तो सारे के सारे हार्मोन रिलीजिंग, जिसमें रिलीजिंग वर्ड आ गया, वो कौन रिलीज करता है, आपका हाइपोथैलेमस करता है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, अगला, पहले पहला काम तो ये हो गया, दूसरा काम, अब ये कुछ हार्मोन बनाता भी है, जैसे आपने पढ़ा होगा जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें तो बहुत सारे हार्मोन होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो ही हार्मोन होते हैं, कौन से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एक तो आपने पढ़ा था एंटी डायुरेटिक हार्मोन, एक दूसरा पढ़ा था ऑक्सीटोसिन, होते तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हैं, लेकिन जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जितने भी हार्मोन हैं वो खुद बनाती है, क्या करती है, खुद बनाती है, हमने पढ़ रखा है पहले एंडोक्राइन वाले सिस्टम में, बिल्कुल पढ़ रखा है। तो ADH और ऑक्सीटोसिन क्या है, ये दोनों बनाने का काम किसका है, पिट्यूटरी का नहीं है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी केवल और केवल स्टोर करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करती है, बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस,
इन दो हार्मोन्स को बनाता है। तो दो तीन चीज़ें हमें पता लग गई, पहली तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, दूसरी हमने क्या बोला इसको, हमने बोला भैया हाइपोथैलेमस जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, वो आपके ADH और ऑक्सीटोसिन दो हार्मोन खुद से बनाता है और उनको स्टोर करवाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अगली बात ज़्यादा नहीं करते, सिंपल से बोल सकते हैं कि ये कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन को भी कंट्रोल करता है, जैसे PIH प्रोजेस्टेरोन इनहिबिटिंग हार्मोन, कुछ ऐसे इनहिबिट और रिलीज करने वाले हार्मोन जहाँ से भी निकलेंगे वो होगा आपका हाइपोथैलेमस। अब मेन चीज़ कर लेते हैं कि हाइपोथैलेमस का मेन काम क्या है। ठीक है, ये सारे आपके चाहे वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को कैसे कंट्रोल करेगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है उसके अंदर एक हार्मोन होता है कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी के पास जाता है, पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH का सिक्रीशन करवाता है। ACTH कहाँ पे काम करता है, कॉर्टेक्स पार्ट में, किसके, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से ये हार्मोन रिलीज करवाता है। ठीक है, क्या कौन से हार्मोन होते हैं कॉर्टेक्स में ये आप बताएंगे मुझे कि कॉर्टेक्स में कौन से हार्मोन होते हैं और मेड्यूला में कौन से हार्मोन होते हैं, ये आज का क्वेश्चन है। ठीक है, दो तीन ही लोग आंसर करते हैं, बाकी लोग भी, मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी आंसर करें। क्लियर, अब बात करते हैं मेन मैकेनिज्म क्या क्या है। मेन मैकेनिज्म जो आपका वाटर बैलेंस है, मतलब जो आपको थ्रस्ट लगता है, थ्रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, हाइपोथैलेमस है। तो देखते हैं कि हाइपोथैलेमस कैसे थ्रस्ट को कंट्रोल करता है। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है हाइपोथैलेमस के पास, जब भी आपका हमने जब फ्लूड पढ़ा था तो हमारी बॉडी में दो तरीके का फ्लूड होता है, एक तो इंट्रासेलुलर होता है, एक एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूड होता है। जबकि जब भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूड कम हो जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, जैसे ही फ्लूड कम हुआ तो ECF की क्या होगी, ECF की ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी, अरे गाढ़ापन बढ़ जाएगा, ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ECF की जैसे ही क्या हो जाएगी, ऑस्मोलरिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये क्या करता है, इसमें कुछ हाइपोथैलेमस में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, जिनको बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर, क्या बोलते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ द हाइपोथैलेमस क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बच्चों, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जैसे ECF आपकी बॉडी में फ्लूड कम हुआ, फ्लूड कम होते ही ऑस्मोलरिटी बढ़ी, ऑस्मोलरिटी क्या हो गई, बढ़ गई, ऑस्मोलरिटी बढ़ने से जो ऑस्मो रिसेप्टर हैं हाइपोथैलेमस के वो एक्टिवेट हो गए, और जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए वैसे ही आपका जो थ्रस्ट सेंटर था हाइपोथैलेमस के अंदर, आपका ब्रेन के अंदर जो थ्रस्ट सेंटर है, थ्रस्ट सेंटर क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। थ्रस्ट सेंटर जैसे ही स्टिमुलेट हुआ, अब क्या होगा, फिर थ्रस्ट सेंटर स्टिमुलेट होते ही आपको क्या लगने लग जाता है, थ्रस्ट की फीलिंग आ जाती है, क्या हो जाता है, थ्रस्ट फील होने लग जाता है। अब जैसे ही आपको थ्रस्ट फील होगा तो आप क्या करोगे, वाटर इनटेक करोगे। क्लियर, आपने कर लिया वाटर इनटेक। अब वाटर इनटेक करते ही क्या होगा, जैसे ही आपने वाटर इनटेक किया तो फिर से आपका ECF क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यही तो कम हो रहा था, हमारा काम यही था। और जैसे आपका ECF इंक्रीज हुआ, ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी और आपकी जो थ्रस्ट है वो भी कम हो जाएगी, डिक्रीज थ्रस्ट, मतलब अब आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्लियर है, तो ये मैकेनिज्म था वाटर का, वाटर बैलेंस या फिर थ्रस्ट मैकेनिज्म हाइपोथैलेमस कुछ इस तरीके से करता है। आपके हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ही बॉडी में फ्लूड कम होता है तो वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो थ्रस्ट सेंटर को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे आपको फील आती है थ्रस्ट की, और थ्रस्ट की फील आई, आपने पानी पिया और आपका जो ECF बढ़ गया, ऑस्मोलरिटी कम हो गई और आपको अब पानी की प्यास नहीं लगी है। क्लियर हो गया, तो ये तो था रेगुलेशन, वाटर का बैलेंस कैसे होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस वाटर का बैलेंस कैसे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इसे।
ठीक है, हो सकता है सिंपल हो लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्लियर है। वाटर बैलेंस कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अगला मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइपोथैलेमस एक काम नहीं करता, बहुत सारे काम करता है, ठीक है। तो दूसरा काम होता है जो आपकी हार्ट रेट है और ब्लड प्रेशर है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर रेगुलेट हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो दो चीज़ों को रेगुलेट या मेंटेन करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कैसे करता है देखते हैं। सपोज़ आपका जो बीपी है वो इंक्रीज़ हो गया, क्या हो गया? ब्लड प्रेशर जैसे इंक्रीज़ हो गया तो क्या होगा? अब आपने बैरोरिसेप्टर कीमोरिसेप्टर अगर पढ़े हैं तो आपको लग जाएगा पता कि यहाँ पे कौन होते हैं, बीपी को कौन चेक करते हैं? बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बैरोरिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं भैया बैरोरिसेप्टर्स, बताएंगे आप ये भी मुझे, क्लियर है। तो बैरोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं जैसे ही बीपी बढ़ता है, तो बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो बैरोरिसेप्टर जैसे ही स्टिमुलेट हुए तब क्या होगा, ये कुछ इम्पल्सेस भेजते हैं किसके थ्रू? तीन नर्व्स होती हैं, मतलब दो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, सेंड इम्पल्सेस, ये इम्पल्स सेंड करते हैं, क्या करते हैं? इम्पल्सेस मतलब सिग्नल भेजते हैं, सेंड इम्पल्सेस किसके थ्रू? एक तो आपके क्रेनियल नर्व्स है, कौन सी? ग्लॉसोफेरेंजियल, और एक है वेगस। तो ये है आपकी ग्लॉसो फेरेंजियल और एक दसवीं है आपकी कौन सी? वेगस नर्व। ये दोनों के थ्रू मैसेज भेजता है कि भैया बीपी बढ़ चुका है, ठीक है। बैरोरिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अगर बैरोरिसेप्टर की क्लास आपने देखी है तो आपको पता होगा, तो बैरोरिसेप्टर की क्लास भी एक बार आप देख लेना, पता लग जाएगा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अरोटिक आर्च में भी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे इनको पता लगा कि बीपी बढ़ चुका है तो इन्होंने मैसेज भेजा इन दो क्रेनियल नर्व्स के थ्रू। ये क्रेनियल नर्व्स हैं, कौन सी नर्व्स हैं? क्रेनियल नर्व्स हैं। तो क्रेनियल नर्व्स ने जैसे ही मैसेज भेजा ब्रेन को, अब क्या होगा, जैसे ही ब्रेन को मैसेज भेजा तो वैसे ही एक पर्टिकुलर पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा में, जिसको बोलते हैं, इसको बहुत अच्छे से याद, ये नाम याद रख लेना, फैमिलियर हो जाना इसके लिए, ट्रैक्टस सॉलिटोरिस। क्या? ट्रैक्टस सॉलिटोरिस, TORIS, ट्रैक्टस सॉलिटोरिस। तो ट्रैक्टस सॉलिटोरिस एक पार्ट होता है, कहाँ पे होता है ये? मेड्यूला ऑब्लंगेटा में। मतलब आप ये कह सकते हैं हाइपोथैलेमस के साथ साथ मेड्यूला ऑब्लंगेटा भी आपके जो हार्ट रेट या बीपी में काम आता है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा भी क्या करता है आपका? बीपी में काम आता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे पता चला, क्या हो गया भैया, ट्रैक्टस सॉलिटोरिस के पास जैसे ही इन्होंने मैसेज भेजा ब्रेन के पास, पर्टिकुलर पार्ट है ट्रैक्टस सॉलिटोरिस। तो ये ट्रैक्टस सॉलिटोरिस करता क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। ट्रैक्टस सॉलिटोरिस का एक ही काम है, यहाँ इसके पास मैसेज गया कि बीपी बढ़ गया है तो ये कर देता है वैसोडाइलेशन। क्या कर देगा? वैसोडाइलेशन मतलब अब आपकी जो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थी, अरे कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी ब्लड वेसल तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, पाइप को दबा दोगे तो पाइप प्रेशर बढ़ेगा ना, अगर मैं इसको ज़्यादा बड़ा कर दूँ तो पानी कैसे बहेगा, आराम से बहेगा। तो ऐसे ही है, जैसे ही डायलेट होता है वैसे ही ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ये तो बात पता है आपको। लेकिन ये वैसोडाइलेशन कौन करवा रहा है यहाँ पे? ट्रैक्टस सॉलिटोरिस के पास मैसेज गया और उसने क्या कर दिया, वैसोडाइलेशन को स्टिमुलेट कर दिया, मतलब वेसल्स डायलेट होने लग गई। अभी तक तो कॉन्स्टिक्ट थी, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, अब वो डायलेट होने लग गया। अब वैसे ही वैसोडाइलेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, वेसल्स डायलेट होंगी तो हार्ट रेट भी कम होगा, ब्रेडिकार्डिया में बोल सकता हूँ, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। अरे हार्ट से ब्लड भी तो कम निकलेगा, जब धीरे धीरे जाएगा तो सारी प्रक्रिया स्लो हो जाएगी, डिले हो जाएगी, तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, हार्ट की रेट भी कम हो जाएगी। तो जैसे ही दोनों चीज़ें कम हो गई, अब ऐसा हो जाएगा कि कहीं इतनी ज़्यादा कम ना हो जाए कि उसका बीपी जो बड़ा हुआ था वो अब लो हो जाए, तो नॉर्मल रखना है हमने इसको, ठीक है। तो जैसे ही इसको ब्रेडिकार्डिया और कार्डियक आउटपुट कम हुआ, तो मतलब बीपी अगर जैसे ही नॉर्मल पे पहुंचा, ठीक है, अब बीपी जैसे ही नॉर्मल पे पहुंचा और नॉर्मल से नीचे जाने लग गया, तो ये क्या कर देता है, फिर से क्या कर देगा,
पता है हमको नॉर्मल बीपी हो गया है, तो अब क्या करना है इसने? अब वैसोडाइलेशन तो हो रखा है, क्या हो रखा है? वैसोडाइलेशन तो हो रखा है, ये लिख लिया होगा आपने, हटा देता हूँ। तो वैसोडाइलेशन जैसे ही हो रखा है, अगर वैसोडाइलेशन होता गया तो बीपी एकदम लो हो सकता है। तो जैसे ही वैसोडाइलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे ब्रैडीकार्डिया वगैरह हो रहा है, तो ये क्या कर देता है, वैसे ही जो ब्लड वेसल्स की टोन है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। क्या कर देगा? डिक्रीज ब्लड वेसल्स की टोन को कम कर देगा। और जैसे ही टोनिसिटी कम होगी तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्शन होगा। तो जैसे ही कंस्ट्रिक्शन हुआ, फिर से आपका क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल या बढ़ने लगेगा। दोबारा से एक बार बता देता हूँ मैं, कैसे कैसे हमने पढ़ा था ये, अब इस बार आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बीपी का इंक्रीज हुआ, तो बीपी इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, जैसे ही बीपी इंक्रीज हुआ तो जो बैरोरिसेप्टर हैं वो स्टिमुलेट हो गए। जैसे ही बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट हुए तो इन्होंने दो नर्व्स थी, कौन कौन सी थी वो लिख लेना आप, क्रेनियल नर्व्स, एक तो थी ग्लॉसोफेरिंजियल, दूसरी थी कौन सी, वेगस नर्व, ठीक है। तो ये दोनों नर्व्स ने इम्पल्सेस भेज दिए, ठीक है। तो एक और पार्ट जो कि होता है हाइपोथैलेमस के पास, कहाँ भेजे इनने, हाइपोथैलेमस के पास में। हाइपोथैलेमस प्लस मेड्यूला ऑब्लंगेटा का एक पार्ट जिसका नाम हमने बोला था ट्रैक्टस सॉलिटोरिस। अगर कोई पूछे ट्रैक्टस सॉलिटोरिस कहाँ पे होता है, तो आप कह सकते हो कि ये कार्डियक सेंटर होता है। ट्रैक्टस सॉलिटोरिस कहाँ पे, मेड्यूला ऑब्लंगेटा और हाइपोथैलेमस दोनों मिलके क्या करते हैं, वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़ा हुआ है बीपी, वेसल्स डायलेट हो गई, तो बीपी कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया। अब बीपी नॉर्मल होगा, फॉल ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेसल्स को फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, धीरे धीरे वेसल्स फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी मैसेज भेज देगा, हाँ भाई बीपी नॉर्मल हो गया है, अब कम हो रहा है, कम होगा तो फिर से वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और आपका बीपी को ऐसे इस तरीके से मेंटेन करेंगे। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका बीपी मेंटेन। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन और हार्ट रेट की बात, ठीक। अब एक और चीज़ पढ़ते हैं हम हाइपोथैलेमस के बारे में, जो कि सबको पता रहता है। हाइपोथैलेमस ने वाटर रेगुलेट किया, हाइपोथैलेमस ने हार्ट रेट रेगुलेट की, हाइपोथैलेमस ने हार्ट ब्लड का प्रेशर रेगुलेट किया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम हर बार पढ़ते हैं कि टेम्परेचर को भी रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो अब देखते हैं कि टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट कर रहा है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी बॉडी में दो सेंटर होते हैं, आपकी बॉडी में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है जो हीट गेन सेंटर है, ठीक है, शुरू से ही शुरू कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, तो जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो आपकी बॉडी में एक तो होती है शिवरिंग, क्या होती है, शिवरिंग होती है, और दूसरा होता है आपका एक्टिवेट हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्टिवेट। कौन सा सेंटर होगा भैया अब एक्टिवेट, एक्टिवेटर एक्टिवेट हो जाता है, जो आपका हीट गेन सेंटर है, कौन सा, हीट गेन सेंटर, ठीक है। तो हीट गेन सेंटर और सिवरिंग दोनों टेम्परेचर कम होने से बढ़ गई, मतलब ये एक्टिवेट हो गए। एक तरफ तो सिवरिंग होने लग गई बंदे को, और एक तरफ उसमें हीट जो गेन करने वाला सेंटर था, एडिपोज टिश्यू वगैरह थे उनमें क्या होने लग गया, वो भी एक्टिवेट हो गए, ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों चीज़ें हुई, तो यहाँ पे आपने एक सिस्टम पढ़ा होगा जो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वो पढ़ा होगा आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम रहता है क्या करना, एक तो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, क्या करना, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। तो वेसल्स जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, अब वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो क्या होगा, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा वेसल्स में, वैसे वैसे क्या निकलने लगेगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो स्वेट होगा आपकी बॉडी में वो डिक्रीज होने लगेगा। जो स्वेट प्रोडक्शन है, मतलब आपका जो पसीना आ रहा है, अब उसका अमाउंट कम हो जाएगा, मतलब वो बाहर स्वेट नहीं निकलेगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो हो गया था। टेम्परेचर लो होने की वजह से
हीट हीट जो आपके हीट देते हैं, जैसे एडिपोज टिश्यू हीट देते हैं, तो वो भी एक्टिवेट हो गए और सिवरिंग भी होने लगी। इन दोनों सिवरिंग और ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, एक तरीके की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करती हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। वेसल्स जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो आपके जो स्वेट आ रहा था, मतलब बॉडी से पसीना आ रहा था, उसकी वजह से भी तो आपका हीट लॉस हो रहा था आपकी बॉडी से, ठीक है। तो हीट लॉस अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जैसे ही आपका हीट लॉस कम हुआ तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हीट अपने आप ही इंक्रीज होने लग जाएगी। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस का काम क्या है, इस सिस्टम को, सिवरिंग को और इनको एक्टिवेट करने वाला पार्ट भी कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में है। कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस इस तरीके से आपकी बॉडी में हीट को इंक्रीज करता है। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। तो ये दोनों मैकेनिज्म, सिवरिंग भी हीट को इंक्रीज करती है और हीट गेन सेंटर तो हीट को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये हीट को, अगर टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं, सपोज़ ये तो बात कर ली हमने अगर टेम्परेचर कम हुआ है, ठीक है, सपोज़ टेम्परेचर अब कम होते होते ज़्यादा हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो अब रेगुलेट कम भी यही करेगा, ज़्यादा भी यही करेगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे ही अगर आपका हीट टेम्परेचर बढ़ रहा है, का मतलब क्या है, क्या है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो फिर से होगा सीवरिंग बंद हो जाएगी, मतलब नो सीवरिंग, सीवरिंग नहीं होगी। दूसरी चीज़, सीवरिंग नहीं होगी तो उससे भी उससे क्या होगा, नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर। नहीं तो सीवरिंग से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है जब आप कांपते हैं, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो टेम्परेचर बढ़ सकता है। इसीलिए सबसे पहले ये सीवरिंग को कंट्रोल करता है आपका, टेम्परेचर बढ़ने पे सीधे सीधे सीवरिंग बंद हो जाती है। जैसे ही सीवरिंग बंद हुई, दूसरी तरफ यहाँ पे जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था, अब उसको भी इनहेबिट करना ज़रूरी है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिवेट रहा तो ये तो और हीट को बढ़ा देगा, हीट को और नहीं बढ़ाना है हमको, हीट बढ़ी हुई है यहाँ पे, इसको कम करना है, ठीक है। तो सीवरिंग बंद हो गई और इनहिबिट हो गया, मतलब बंद कर दिया हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, क्लियर है। तो अब जैसे ही हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बंद किया तो वेसल्स डायलेट होने लग गई, ये कह सकते हैं हम, जो हमारी ब्लड वेसल्स थी अब वो डायलेट हो गई। अगर वो डायलेट हो गई तो जैसे ही ब्लड वेसल्स कभी भी अगर डायलेट होती है तो उसमें से स्वेट का प्रोडक्शन होने लग जाता है, मतलब आपका पसीना बाहर आने लगेगा, स्वेट प्रोडक्शन बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में, पसीना बाहर आने लगेगा। अब मैंने बोला था जब भी स्वेट हमारी बॉडी से बाहर आता है तब क्या होता है, हमेशा का हमेशा हीट लॉस होगा, मतलब हीट बॉडी से बाहर जाएगा, सॉरी हीट का होगा लॉस, मतलब बॉडी से लॉस होगा और आपका जो टेम्परेचर था वो मेंटेन हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल उसी का उल्टा कर देना है जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ने पे किया हुआ था। तो इस तरीके से ये क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो अभी तक हमने तीन चीज़ें पढ़ ली, सबसे पहले हमने बोला किस चीज़ को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, हमने बात करी थी हार्ट रेट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, और बात करी थी वाटर बैलेंस के बारे में, और तीसरा चौथा पॉइंट हमने पढ़ लिया टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है। एक और चीज़, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हंगर को कौन रेगुलेट करता है तो उसके लिए भी आपके पास आंसर होना चाहिए, क्या, हाइपोथैलेमस। हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं। तो हंगर को कैसे 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 फूड और हंगर को कैसे बैलेंस करता है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप फूड लेते हैं, अब आपने फूड इंजेस्ट किया, क्लियर है, तो फूड इंजेस्ट किया तो क्या होगा, इससे जैसे ही आप फूड इंजेस्ट करते हैं तो आपकी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो गया। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल जैसे ही बढ़ता है तो जैसे आपकी एक पर्टिकुलर क्या होती है, सेटिस्फैक्ट्री सेंटर होता है, मतलब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाते हैं फूड से, तो आपने जैसे ही खा लिया तो वैसे ही क्या हो जाता है, आपकी बॉडी में जो हंगर सेंटर है, हंगर सेंटर है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। जैसे आपने खाना खाया, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, आपका जो सेंटर था सेटिस्फाई हो गया, तो आपने हंगर सेंटर आपका सेटिस्फाई हो गया, तो ये क्या करता है, जो आपकी फीडिंग है उसको इनहिबिट कर देता है, मतलब आपसे खाना नहीं खाया जाएगा, डिक्रीज लिखूँ या इनहिबिट फीडिंग सेंटर,
क्या कर देगा, जो आपको भूख लगा रहे, जिससे आपको अभी तक खाना खाने का मन कर रहा था, अब वो आपका जो फीडिंग सेंटर था उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। मतलब अब आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा क्योंकि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही 3 to 4 hours हो गए, 3 to 4 hours में आपका ग्लूकोज लेवल जैसे जैसे कम होने लग गया, ठीक है, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ आफ्टर 3 to 4 hours ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लग गया। तो जैसे ही कम होने लगता है तो क्या होता है, फिर से जो आपका सेटेटरी सेंटर होता है वो क्या हो जाता है, फीडिंग सेंटर, मैं बोल सकता हूँ कि फीडिंग सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है। फीडिंग सेंटर को क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। हाइपोथैलेमस क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। और जैसे ही फीडिंग सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है आपको हंगर लगने लग जाता है, मतलब भूख लगने लग जाती है। तो सिंपल था, खाना खाया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, तो आपका हंगर सेंटर इनहिबिट हो जाता है उस टाइम पे, फीडिंग सेंटर इनहिबिट हो जाता है। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लग गया, फीडिंग सेंटर बढ़ने लग गया, तो आपको अपने ऑटोमेटिकली हंगर लगने लग जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो ये हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस के बारे में, क्या पढ़ा, हाइपोथैलेमस के बारे में। क्लियर, अगली बार हम पढ़ेंगे एपिथैलेमस के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्योंकि एपिथैलेमस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी के थैलेमस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एपिथैलेमस के बारे में। और फिर उसके बाद हम चलेंगे मिड ब्रेन की ओर, और फिर उसके बाद हम मिड ब्रेन में पढ़ लेंगे क्या क्या चीज़ें हमारी थी, और फिर उसके बाद हिंड ब्रेन की तरफ। तो ठीक है, अगर आपको लगे समझ में आया है तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो आप बता सकते हैं, उनका आंसर कर सकते हैं, और अगर आप भूल गए हैं लाइक और सब्सक्राइब करना तो भी कर सकते हैं। थैंक यू।